गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। और हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू, माय छोटी सी यूट्यूब फैमिली, क्योंकि मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी यूट्यूब फैमिली है। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति मेरी तरफ से। और देखिए, इधर प्यू आ गई नहाकर, वो बाल वॉश किए हैं तो अभी सूखे नहीं हैं, इसलिए ठंड लग रही है प्यू को। और मेरे भी बाल गीले हैं अभी, हम लोगों ने भी नहाया है जस्ट, और बहुत और पूजा भी हो गई है हमारी, धूप भी नहीं निकली। और पीछे देखो अभी कुछ रजाई ऐसी डली, क्योंकि रजाई तो हमेशा डली रहती है, क्योंकि सब लोग बैठे रहते हैं रजाई ओढ़कर। और आज मौसम बिल्कुल भी नहीं खुला है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थोड़ी सी भी। हाँ, और हमेशा ही ऐसा होता है संक्रांत वाले दिन, मकर संक्रांति के दिन हमेशा ही ऐसा होता है कि हमारे यहाँ धूप निकलती नहीं है और मौसम भी खराब रहता है। सो अभी मैं आ गई हूँ ना करके, और पूजा भी मेरी हो गई है और मैं रेडी भी हो गई हूँ अभी, और बाल मेरे सुख सूख रहे हैं गीले। तो अभी इधर देखो, पीछे दीवार में भी ये खराब हो गई है पानी की वजह से। और अभी तो गाइस, मैं आ गई हूँ इधर किचन में, और किचन में बना रही हूँ खाना। और थोड़ा सा खाना मैंने सुबह इनके लिए बना दिया था, लेकिन गाइस और हम लोग रह गए हैं अभी खाना खाने के लिए। पीहू भी है, मैं भी हूँ, हम दोनों रह गए हैं, और विवेक रह गया है। हम लोग बना रहे हैं अभी खाना। देखो, मैंने आटा भी लगा के रखा था, मंगोरा। सो गाइस, इधर तो गाइस देखिए, आज मम्मी बना रही है मंगोड़ा। तो अच्छी लगी, इसको यही बोलते तो ना मंगोड़ा। सो गाइस, मूंग दाल की पकौड़ी मंगोड़ा बन रही है, और अब बना रहे हैं पूड़ियाँ। पूड़ी के लिए इधर तेल गर्म हो रहा है, मैं जब तक इस साइड पे बना लेती हूँ, क्योंकि रिफाइंड में तेल पूड़ियाँ सेकना पड़ रही है मुझे, क्योंकि सरसों के तेल में मुझे पूड़ी अच्छी नहीं लगती है। और इधर सरसों के तेल में मैं सेक रही हूँ मंगोड़ा, क्योंकि ये सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, सरसों के तेल में सेक रही थी, और इसको मैं इसमें सेक नहीं पाती हूँ पूड़ियों को। मम्मी अभी बाटी के है पूड़ियाँ सेक रही हूँ, बड़ी साइज की लोई बना ली है पूड़ियों के लिए, बनाई है पूड़ियाँ सेक रही है अब हम जल्दी से। और हमारी खीर भी बन गई है, और हमारे यहाँ क्या क्या बनाए आज, खीर और आलू की सब्जी, और जो कि हमारे यहाँ बनती है घोटा आलू सब्जी, फेमस है सब यहाँ पर, सबको पसंद भी है। और यहाँ शादियों में यही बनती है सब्जी, जब सबसे ज्यादा शादी हो चाहे कोई सा प्रोग्राम हो, सबसे ज्यादा आलू की सब्जी बनती है, घोटा वाला आलू पूरे घुट जाते हैं उसी में। गाइस, घोटा आलू मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है, मम्मी के हाथ के कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं, तो ज्यादा अच्छे लगते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में, टेस्टी लगते हैं। तो हमारा बन गया है, आधा खाना तो मैंने बना लिया था, क्योंकि इनको लग रही थी भूख, और अभी मौसम की वजह से हम थोड़ा लेट भी हो गए हैं, मौसम इतना खराब हो रहा है, आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। हाँ, पर इतना है आज धूप नहीं निकली है, बट ठंड नहीं है यार, ठंड कम हो गई है थोड़ी सी, है थोड़ी थोड़ी तो है गी, लेकिन थोड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि अपन नहाकर आए हैं जस्ट इसी लिए, अगर नहीं नहाओगे ना गाइस रात में तो इतनी गर्मी लग रही थी, और मैं सुबह 6 बजे भी मतलब नींद को लगी थी गलती से। नहीं मम्मी, मैं पता है तो पसीना हो गया था, वो ब्लैंकेट में वो पूरी लेटी थी ना, नहीं उस रूम में हीटर लगा है ना, इसीलिए वो ऐसा लगता है। तो फिर जब मैंने खोला, मेरे को अच्छा लगा, और फिर गेट लगा भी रहता तो ज्यादा नहीं लगता, बाहर की हवा भी आती है। छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाई है अपनी, और फटाफट से खाना बना लेते हैं जल्दी जल्दी से, तो दोनों ही काम चल रहे दोनों साइड। तो गाइस देखिए, हमारी ये मंगोड़े सिक रहे हैं, मतलब सिक चुके हैं, और ये मेरे बहुत टेस्टी है, मैं अभी इसको टेस्ट भी करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रंची लग रहे हैं, और क्रंची सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो गाइस ये मैं खा रही हूँ, और मुझे बहुत टेस्टी लग रहे हैं। गाइस देखिए, कितनी पूड़ियाँ फूल चुकी हैं, मेरे को तो बहुत टेस्टी लग रही है, मैं यही वाली पूड़ियाँ खाऊंगी, फुली फुली सी पूड़ी। हे गाइस, खाना हमने खा लिया है, और अभी कोई गेस्ट भी आने वाला है हमारे घर पे थोड़ी देर से, तो जब तक हम खा लेते हैं खाना, सॉरी जब तक हमने खा लिया है खाना, क्योंकि वो लोग शाम को आएंगे, वो आएगी शाम को। तो आयु क्या हो रहा है,
सो इधर देखिए आयु के छोटे छोटे दोस्त आ गए हैं। आयु हाय करो, आयु हाय करो। देखो ये आयु की टूटी फूटी सी गाड़ी, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए आयु की छोटी सी टूटी फूटी सी गाड़ी है, वो कैसी चल रही है, ये चलेगी गाड़ी। आयु तुमने क्या पहना है? आयु अपने दीदी की जॉकेट पहन के घूम रहा है, जो छोटी हो गई थी पीयू को उसी को। सो गाइस हमने खाना खा लिया है ना, इसीलिए अब ठंड लगने लगी है। इतनी देर से ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि खाना नहीं खाया था, बट अभी खा लिया है। उधर है ना ये हमारा बेड, इतने दिनों से कम 1.5-2 महीने से टूटा डला है, इसको सही करवाना है, बट इसकी कुछ सामान मिल नहीं पा रहा है क्योंकि ये बेड सबसे ज़्यादा लंबा है, मतलब इंच में बोलते हैं, जैसे कि वो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, ज़्यादा क्या यार पता नहीं, 6 फिट का आता है ना, मतलब ये 7 फिट में है, तो इसीलिए इसकी कुछ सामान है वो मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए सही नहीं हो पा रहा है। वो काफ़ी दिन हो गए, मेरी फ्रेंड आई थी तब से टूटा हुआ है, तब से ये टूटा ही डला हुआ है, तो ये अभी हुआ नहीं है सही। सो गाइस मैं रेडी भी हो गई हूँ, मैं सोच रही थोड़ी सी रील बना लूँ एक दो, क्योंकि मैंने साड़ी वेयर की है तो इस पर रील बना लेती हूँ। और जो ये मैंने ब्लाउज पहना है ना, इसमें मुझे ठंड नहीं लगती ज़्यादा, क्योंकि ये ब्लाउज मोटा है बहुत ज़्यादा और मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुंदर लगता है ये ब्लाउज। हमारी खटिया बिछी है और हम यहाँ बैठे हैं अभी, और ये मेरी दीवार ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये दीवार। और इस साइड की भी हमने अच्छी से लगाई थी, करी थी इसको साफ, मतलब पुतवा दिया था, बट ये बहुत गंदी हो चुकी है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा, क्योंकि ये पानी की इधर पानी के नल लगे हुए हैं पीछे बाथरूम के, तो उसी से पानी निकलता है और बहुत ज़्यादा नल में से पानी निकल रहा है, इसीलिए यहाँ इतनी सीढ़न सी आ गई है। तो कुछ नहीं है, अब देखेंगे अगले दिवाली के टाइम पे इसको सही करवाएंगे। और बाल थोड़े थोड़े सूख गए हैं, अभी भी कुछ थोड़े बहुत गीले हैं। और अब खाना खा लिया थोड़ा सा, तो ठंड सी लगने लगी है। और हाँ ये साड़ी को मैंने ही घर पे इस तैयार किया था, देखो ये लगाए थे इसके लटकन से, अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती है साड़ी का कलर, बहुत अच्छा लगता है। हाँ ए लला याओ याओ, कहाँ है वे? वो लला कहाँ है? मम्मी से पूछ के आओ, अंकल बुला रहे, यहाँ अंदर आओ, तुम्हें अंकल बुला रहे, कहाँ कह रहे बोली हो, अब पूछी जा सकते। तुम्हारा नाम क्या है? आल्टन। का नाम? आल्टन। आल्टन अल्ताव अल्ताव नहीं आल्टन। जिस जा से पूछे कहाँ, ललो ललो जा को नाम क्या है? हाँ आर्य, आर्यन, आयल। आयल कौन सा नाम है? आयल बता रही, आयल नाम है, आयल, आयल जाने कौन सा नाम है। चलो सो गाइस चलते हैं, हम रील बना लेते हैं थोड़ी सी। सो ये देखिए ये बहुत प्यारा, इसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, इधर से दिखाते हैं पूरा, इसकी आवाज बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी इसकी आवाज़ लगती है। हम लोग मेला घूमने गए थे निवाइस में, तब लेकर आए थे भिंड के मेले में। सो अभी तो ग्वालियर में मेला लगा हुआ है, ग्वालियर का मेला जाएंगे घूमने के लिए यार, ठंड में पता है निकलने का मन नहीं होता है, बट ग्वालियर का मेला उससे भी बहुत बड़ा रहता है और सुना है अच्छा भी लगता है। मैं तो अभी तक गई नहीं हूँ, बट हाँ वो अच्छा बताते हैं उसको कि बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब ठंड लग रही है क्योंकि मैंने खाना खा लिया इसीलिए, क्योंकि और बाल भी गीले हैं अभी थोड़े थोड़े। सो गाइस मैं कैसे लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसे लग रही है, मैं कैसे लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर पसंद आए मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके तो मिलते हैं थोड़ी देर से, जब तक कुछ गेस्ट आने वाले हैं और मैं बनाती हूँ थोड़ी सी रील। ओके गाइस देखिए आज मेरी फ्रेंड आई है त्रिशा, और ये रही बुआ, और ये रहा शिवा जो कि मेरा भाई है, और ये देखिए मम्मी बैठी है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे खाना खाइए। और गाइस ये मेरा कितनी जल्दी थी, बहुत ही कैसा भाई है, बहुत ही बेकार भाई है। आयु कितनी जल्दी थी, आयु मिठाई का डिब्बा दी लेकर आई है, और आयु ने कितनी जल्दी फाड़ दिया देखो, और इस तरीके से फाड़ा है ऐसे करके ताकि जल्दी फट जाए, उससे रबड़ नहीं छिट रही थी यहाँ से, तो उसने यही से फाड़ दिया, ले जल्दी से फट जाएगा तो जल्दी खोल जल्दी खोल जाएगा। नहीं ऐसे मिठाई कहा पैर में क्यों पड़ा मेरे, मम्मा कच्चे खाने कैसे खाएगा, कच्चे पैर में सो गए, मम्मा कच्चे
अरे अभी कच्चा नहीं है, खत्म हो गया पेड़ में कच्चा। तो देखिए गाइस, बुआ मेरे पैर छू रही है और इधर मेरी बहन के भी पैर छू लिए। और मम्मी इनको दे रही है थोड़े से पैसे, थोड़े से पैसे कितने दे रही है और थोड़े से पैसे शिवा को, तो थोड़े से और कम पैसे दे रही है। तो गाइस चलते हैं उधर। और आयु तो बस अपना मोगली देखने में व्यस्त हो गया, अगले साल फिफ्थ में भी तुम्हारे बोर्ड हो। बुआ मतलब जा रही है अब मेरी बुआ। तो गाइस देखिए हमारे यहाँ पे आ गई है दीदी, और ये भी मेरी दीदी है, और ये हमारे जीजू और भैया दोनों ही हैं। और आई अपनी टूटी सी साइकिल लेके बैठा है, और इसका होलिया देखिए, आई ऐसे करके दिखा, ऐसे करके दिखा। मैं वही नीचे बैठ गई। और इधर देखिए मम्मी देख रही है पूड़िया दीदी के लिए। गए वो तो चले जाएगा, टोपा लगा ले टोपा। ये तो घूमने आता है, हमें आने का मन भी नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। जय बाहर नहीं आए, बस जाओ। हाँ टॉफी नहीं लाना, चले हमें दे दो रुपया, टॉफी हम दिलवाएंगे, टॉफी हम दिलवाएंगे, दे दे मम्मी की, दे दे टॉफी हम दिलवाएंगे। ऐसे बच्चे ना छोड़ते, दे देना टॉफी दिलवाएंगे हम लोग अपने को। गाइस मम्मी गाय को बुला रही है, ले 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 करके। और देखिए गाय मम्मी आयु को देने वाली, आयु को क्या गाय को रोटी देने वाली है। गाइस मेरे को बहुत डर लगता है सबसे ज्यादा गाय से। सो हे गाइस, मेहमान आए थे, खाना वाना खा लिया उन्होंने, बचा चुके हैं। ननंद आई थी हमारी, रिलेशन में है, उन्होंने खाना वगैरह खा लिया है। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में, किचन में बन रही है चाय। तो गाइस आप लोग भी आओ चाय पीने के लिए, चलो चाय लेके चलते हैं इनके पास, इनको पीना है चाय। हमारे घर में पूरी सब्जी खीर वीर सब बनी थी, तो इसीलिए अब हम बना रहे हैं एकदम की चावल, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, कुछ हल्का हो जाए, तेल का खा लिया ना, अब ऐसा लग रहा है कुछ हल्का हो जाए, हल्का सा खाना हो जाए, तो हल्का फुल्का से ही खाना बना लेते हैं। अभी हल्के फुल्के से खाने में बना रहे हैं हम नमकीन चावल। कुछ हल्का ही हो जाए। तो गाइस हमारे चावल बन रहे हैं नमकीन वाले, और अभी मैंने सब्जी पूड़ी खा ली है थोड़ी सी। तो देखिए हमारे कितने टेस्टी चावल बने हैं, ये यम्मी से वाओ मटर वाले चावल बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, टेस्टी बढ़िया से एक नंबर, और बहुत अच्छे ये बने हैं। तो आप लोग भी आ जाओ, किस किस को पसंद है मटर वाले चावल वो भी नमकीन। हे गाइस, तो हमारा खाना भी खाना हो गया, और पीयू का खाना ही बाकी है। देखो कि चावल खा रही है नमकीन वाले। इसकी पढ़ाई, पीयू पढ़ाई कर रही थी इसलिए नहीं खाया इसने, और मेरा खाना हो गया है। और अब हम करेंगे अपनी वीडियो का एंड, और रात हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके सो गाइस, करते हैं आप वीडियो का एंड, और मैं कर लेती हूँ अपना चेहरा साफ, मतलब लिपस्टिक हटा लेती हूँ और आईलाइनर लगे रहने देती हूँ। मतलब ये सारा ही साफ कर लेगी।